नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सतपाल आप सभी का अपने चैनल जर्नी सर्विसेज में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पैन नंबर जो है इनकम टैक्स वेबसाइट पर कैसे रजिस्टर करना है। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले आना है इनकम टैक्स इंडिया efiling.go.in पे। यहाँ पे आने के बाद राइट हैंड साइड में आपको न्यू टू ई फाइलिंग ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे एक विंडो आ जाएगी, यहाँ पे आपको आपका स्टेटस सिलेक्ट करना है। आप इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, HUF हो, जो भी हो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं इंडिविजुअल हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको आपका पैन नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे सरनेम, फिर यहाँ पे आपको आपका मिड नेम, और फिर आपका फर्स्ट नेम, और फिर आपको यहाँ पे लिखना है आपकी बर्थ डेट, और नीचे रेसिडेंशियल स्टेटस सिलेक्ट करना है। मैं रेसिडेंट हूँ तो रेसिडेंट सिलेक्ट करूँगा, अगर नॉन रेसिडेंट हूँ तो नॉन रेसिडेंट सिलेक्ट करूँगा, और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये अदर्स डिटेल्स पूछेगा। यहाँ पे मुझे पासवर्ड डालना है, जो कॉम्बिनेशन होगा कैपिटल लेटर, अल्फ़ाबेट, स्मॉल लेटर्स और न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर का, और पासवर्ड अभी कंफर्म करना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है प्राइमरी क्वेश्चन, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो इसमें से, और आपका जो क्वेश्चंस का आंसर रहेगा वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद सेकेंडरी क्वेश्चन पूछना है, उसका आंसर दे दीजिए। फिर हाँ, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना है। सेकेंडरी मोबाइल नंबर, प्राइमरी ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना है आपको, सेकेंडरी ईमेल आईडी लिखना हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे आपको आपका एड्रेस अपडेट करना है, फिर आपको आपके यहाँ का रोड स्ट्रीट सेक्टर जो भी रहेगा वो डालना है। उसके बाद आपको पिन कोड लिखना है, पिन कोड लिखने के बाद आपको एरिया कोड लिखना है, पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट और सिटी सिलेक्ट करनी है। और कंफर्म पे क्लिक करना, जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करते हो तो ईमेल आईडी और मोबाइल पे ओटीपी चला जाएगा, तो वो आपको यहाँ पे अभी लिखना है। तो ईमेल आईडी मैंने डाल दिया, मोबाइल ओटीपी भी यहाँ पे मैंने डाल दिया, और इसको वैलिडेट करना है। तो ये हो गया आपका लॉगिन। अभी हम लोग लॉगिन करके देखते हैं। तो यूज़र आईडी में पैन नंबर लिखना है और पासवर्ड लिखना है। तो यहाँ पे मैं अभी पैन नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ पे पासवर्ड, और अभी यहाँ पे कैप्चा लिख दूंगा और लॉगिन कर दूंगा। ये हाँ, अभी ये मुझे मेरा आधार आधार के डिटेल्स पूछेगा। मुझे आधार नंबर लिखना है और नेम एज पर आधार और बर्थ ईयर यहाँ पे टिक कर देना है, और एग्री कर देना है, लिंक कर देना।
तो ये लिंक कैसे करते हैं, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो मैं आशा करता हूं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया रहेगा, इससे आपको पता चल गया रहेगा कि कैसे इनकम टैक्स साइट पर लॉगिन करना है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी आप उनका इनकम पैन नंबर जो है इनकम टैक्स साइट पर रजिस्टर कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।